राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी और प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अभियान चलाकर लाइट ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश मिलने पर एक ही दिन में 1500 नई लाइट की खरीदी गई। इसके तहत ही जिलाधिकारी ने ईएसएल के अधिकारियों को रिपेयरिंग के लिए दी गई 2800 लाइट तुरंत उपलब्ध कराने और खराब लाइटों को 48 घंटे में उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी बंसल ने टीमों को 400 स्ट्रीट लाइट प्रतिदिन ठीक करने का लक्ष्य दिया है और उन्होंने कहा है कि वह खुद प्रत्येक सप्ताह स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शहर को 4 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कंपनी प्रतिदिन कम से कम 300 लाइट मरम्मत कर उपलब्ध कराए। कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर ही आगे के कार्यों पर विचार किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितने भी हमारे डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, अभी वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्रीव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स, और जो हमारी टीम्स कल से फील्ड में रवानगी होगी उनका पहले सुबह यहाँ पे उनको लाइट्स इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाएंगे।